टिकट बंटवारे के बाद हरियाणा बीजेपी में नहीं थम रही भगदड़। अब पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने छोड़ी पार्टी। जींद के सफेदों से टिकट न मिलने से थे नाराज। हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान। संदीप पाठक बोले, हमें कमजोर आंकने वाला भविष्य में पछताएगा। हम हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर से अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा अटैक। बोले, पिछड़ों का आरक्षण कहा छीनना चाहती है कांग्रेस। तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा। जब तक शांति नहीं तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं। बजरंग पुनिया नहीं लड़ेंगे चुनाव। टीवी से बातचीत में बोले, विनेश चुनाव लड़ेगी और मैं संगठन में रहूंगा। जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी उसी लड़ाई को अब विधानसभा में उठाएंगे। सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। अखिलेश यादव ने लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप। 5 सितंबर को एसटीएफ के मुठभेड़ में मारा गया था लूट का आरोप। अयोध्या में नाबालिग दलित से रेप पर गरमाई सियासत। आज पीड़ित परिवार के घर जाएगा कांग्रेस का डेलीगेशन। कल बीजेपी नेताओं ने की थी मुलाकात। मुख्य आरोपी शहबान एनकाउंटर में गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बीच सड़क पर जमकर चले लाठी डंडे। मामूली विवाद में दो दुकानदारों के परिवारों में खूनी संग्राम। दो दिन पुरानी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद पर बवाल जारी। अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा, मैप अप्रूव नहीं हुआ तो इतनी मंजिल कैसे बनी। 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का जारी। पिछले 48 घंटे में खूंखार भेड़िए के दो हमले। वन विभाग और पुलिस की टीम दिन रात आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। अगले 10 दिन तक चलेगा गणेश महोत्सव। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर लालबाग के राजा के पंडाल में उमड़ी भक्तों की भीड़।